बारिश का लंबा गैप होने के कारण क्षेत्र के किसानों की चिंता बढ़ने लगी है। खेत में खड़ी फसल सूखने की कगार पर पहुंच गई है। इसे लेकर सांसद प्रतिनिधि संतोष राठौर के नेतृत्व में भाजपा प्रतिनिधि मंडल इस गंभीर समस्या से जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन तहसील कार्यालय पहुंचकर नायब तहसीलदार को सौंपा। ज्ञापन का वाचन करते हुए सांसद प्रतिनिधि ने कहा कि खेतों को सिंचित करने के मुख्य स्रोत नांगलवाड़ी सिंचाई उद्यान परियोजना व भिखारखेड़ी तालाब का पानी अगर मौजूदा समय में नदी नालों में छोड़ दिया जाए तो क्षेत्र के किसानों की समस्या काफी हद तक ठीक हो जाएगी। जो खड़ी फसल आज सूखने की कगार पर है उसमें कुछ हद तक राहत हो सकेगी। इस मामले को लेकर सांसद प्रतिनिधि ने क्षेत्रीय सांसद गजेंद्र पटेल को भी अवगत कराया। इसको लेकर सांसद ने संबंधित विभाग और जिला कलेक्टर को ज्ञापन में संज्ञान में डाला और जल्द ही नागरवाड़ी सिंचाई उद्यान परियोजना का पानी तालाब व नदी नालों में छोड़ा जाएगा। इस अवसर पर भाजपा प्रतिनिधि मंडल व किसान मौजूद रहे। आज किस बात को लेकर ज्ञापन दिया गया? आज सेगांव क्षेत्र के सभी किसान बंधु एवं जनप्रतिनिधि इनके माध्यम से माननीय कलेक्टर महोदय जी से निवेदन किया गया कि वर्तमान स्थिति में सेगांव क्षेत्र में वर्षा की जो खेच हमें कमी के कारण किसानों की खड़ी फसलें सूख रही है और इस हेतु हमारे पास भिखारखेड़ी तालाब और उद्यान परियोजना एक ऐसे माध्यम है जिनसे किसानों को पानी मिल सकता है। तो हमारा कलेक्टर महोदय से निवेदन था कि शीघ्र ही इस गंभीर विषय को संज्ञान में लेते हुए भिखारखेड़ी तालाब और उद्यान परियोजना के माध्यम से किसानों तक पानी पहुंचे। हमारे लोकप्रिय सांसद माननीय गजेंद्र पटेल जी से इस विषय पर चर्चा हुई और उन्होंने भी आश्वस्त किया कि अधिकारियों से बातचीत हो चुकी है और आजकल में तुरंत पानी किसानों को मिलना चालू हो जाएगा। क्या नाम लिखते हैं? संतोष राठौर, सांसद प्रतिनिधि सेगांव। सेगांव से सचिन गुप्ता की रिपोर्ट।